सनी ये क्या मैटर है? रुक मैं, ये क्या चीज है? ये क्या मैटर सनी? गाड़ी सेल वाली थोड़ी लग रही है, तो अंदर लड़के बैठे हैं यार। बात तो अलग लग रही है, लड़कियां अलग बैठी है यार। और एक दो सवाल कर भाई, कहां है ये गाड़ी वाले? उनसे सवाल कर, जोर कर, जोर कार, आरसी कार, डॉक्यूमेंट नहीं, कार मालिक पूछना कहां है, कार मालिक कहां है, वेयर इज कार मालिक? ये गाड़ी सेल पे है? बिल्कुल सेल पे है भैया। मतलब एक तरीका सुनना नहीं है, मैं गाड़ी के अंदर मैडम बैठी है, हमारा डिलीवरी देने का तरीका ही अलग है। अच्छा, और हमारा जो डिलीवरी का तरीका है, हम कस्टमर को खुश करके भेजते हैं। अच्छा जी, जैसे मैडम बैठी हुई है, हाँ, हर गाड़ी में ऐसी मैडम बैठी हुई है? बिल्कुल। हिंदुस्तान में पहली बार गाड़ी सेल करने का तरीका, आपने इससे पहले ऐसा तरीका नहीं देखा होगा। देखो मैडम कितना मुस्कुरा रही है यार। जीजा जी, बात सुनो आप, मिनी कूपर 2013 मॉडल भाई कह रहे 8 लाख रुपए में। तो दोस्तों गाड़ी पसंद आ गई है हमें, अब मैं इनसे हिंदी में सवाल करूंगा, अपने इनसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना उसको। जी बिल्कुल। मैडम मैंने आपके लिए एसी चलवा दिया, कैसा लगा आपको? आई फील वेरी गुड विद दिस एयर, विद दिस, यू फील गुड? सही है, सही है। वाह भाई वाह। ये क्या चीज है? ये क्या मैटर है? नहीं गाड़ियां सेल पे, क्या नाम है? सुप्रीम कार्स गाड़ी। ये तो वही गाड़ी जो पूरे भारत में सिर्फ 6 गाड़ी है, ये वो वाली गाड़ी है। और भाभी कह भी रही थी कि स्पोर्ट्स कार ले लो, कन्वर्टेबल ले लो। भाभी सुनो, ये कहीं भी छोटी गाड़ी है तो भाभी कहीं भी लेके चली जाएगी। और एक दो सवाल कर भाई, कहां है ये गाड़ी वाले? उनसे सवाल कर, जोर कर, जोर कार, आरसी कार, डॉक्यूमेंट नहीं, कार मालिक पूछना कहां है, कार मालिक कहां है, वेयर इज कार मालिक, वेयर इज ओनर? नहीं इसको हिंदी में बात करने दो, बात करो, कहां है ओनर, कहां है ओनर? बेच रहे हो क्या अपनी गाड़ी को? हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी, आई लव हिंदी, बोलो जय जाट देवता। भाई कहाँ है आपका मालिक, कहाँ है? बोलो, गाड़ी लेनी है हमने, गाड़ी लेनी है हमें। आई वांट परचेज दिस कार, आई वांट परचेज दिस कार। मातृभाषा हिंदी अपनी, हमारी मातृभाषा है हिंदू। नहीं हमें हिंदी में बात करो ना, हमें ये गाड़ी खरीदनी है। भैया गाड़ी क्या कौन है यहाँ पे? भैया यहाँ पे क्या बताओ, भैया बताओ। भाई नमस्ते। नमस्कार जी, बताइए। ये क्या सीन है यार, मैं गाड़ी तो देख रहा हूँ मैं। हाँ जी। यहाँ पर ये मैडम बैठी अंदर गाड़ी के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। ये गाड़ी सेल पे है? बिल्कुल सेल पे है भैया। मतलब एक तरीका सुनना नहीं है, मैं गाड़ी के अंदर मैडम बैठी है। भैया एक बात बताओ, डिलीवरी तो लोग ऐसे ही दे देते हैं, हमारा डिलीवरी देने का तरीका ही अलग है। अच्छा जी। हाँ जी, हम गाड़ी के साथ बहुत कुछ देते हैं, जैसे कि मतलब इनाम वगैरह ही मिलते हैं। बिल्कुल इनाम वगैरह मिलते हैं भैया, फोन ले लो आप, एयरपॉड्स ले लो, वॉच ले लो। और हमारा जो डिलीवरी का तरीका है, हम कस्टमर को खुश करके भेजते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो जैसे बम पटाके सब फूटते हैं, जैसे मैडम बैठी हुई है, हाँ, हर गाड़ी में ऐसी मैडम बैठी हुई है? बिल्कुल। तो ठीक है, एक बार आप एक दो सवाल इनसे भी कर सकते हैं। इनको हिंदी आती है? नहीं। अच्छा, हिंदी नहीं आती है? नहीं, इनको नहीं आती। तो हिंदी सिखाओ ना हमारे हिंदुस्तान में, फिर अच्छा भी लगेगा, इनको हिंदी आएगी तो थोड़े दिन और रहेंगे तो हिंदी भी सिखा देंगे, हिंदी भी सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कौन सा मॉडल है? 2013 2013 का मॉडल है। हाँ जी। गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है यार, जबरदस्त गाड़ी नहीं है, ब्रांड दूंगा है। सन्नी भाई ले लो भाभी के लिए, जबरदस्त गाड़ी है यार। और भाई जो आपका, ये आपका कंपनी का नाम है सब? बिल्कुल भैया, सुप्रीम कार्स, जबरदस्त, सेक्टर 17 में मेरे शोरूम है। सारी गाड़ी सेल के लिए? बिल्कुल भैया सारी। कौन कौन सी गाड़ी खड़ी है भैया? एक फॉर्च्यूनर लेजेंडर है, एक ML 350 है अभी, मिनी कूपर और एक C220D है। इसके अलावा 3 गाड़ियां और है मेरी जो शोरूम पे है। अच्छा जी। हाँ जी भाई साहब, मैंने पहली बार देखा भारत के अंदर गाड़ी बेचने का तरीका, मतलब अंदर यहाँ पे आपने प्यारी प्यारी यहाँ पर मैडम बिठा रखी है, ऊपर से आप इस गाड़ी को सेल कर रहे हो, और आपने बोला आप गाड़ी सेल भी करते हो, मोबाइल भी देते हो, महंगे महंगे तोहफे देते हो। तोहफों के बिना फिर अकेली सूखी गाड़ी ले जाने का फायदा क्या? फायदा क्या? ठीक है, कस्टमर खुश होना चाहिए हमारे लिए, जबरदस्त। तो दोस्तों देखो, हिंदुस्तान में पहली बार गाड़ी सेल करने का तरीका, आपने इससे पहले ऐसा तरीका नहीं देखा होगा। देखो मैडम कितना मुस्कुरा रही है, लेकिन इनको गर्मी लग रही है, एसी तो चला दो आप। बिल्कुल एसी ओपन कन्वर्टेबल का फायदा क्या है फिर? नहीं एसी चला दो ना, थोड़ा सा क्या होगा, देखो हमें बाहर के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और तभी तो हम, हमें बोलते हैं कि भारत, देवो भवा। हाँ, भारत के लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आप 10 मिनट बाद एसी चला देना, अभी चला, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैडम को लगातार पसीने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जीजा जी, मैडम एसी स्टार्ट करो आप मैडम के लिए पहले। मैडम के लिए पहले एसी चालू करो, क्योंकि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। यह आपने मेरी बात सुन ली, धन्यवाद। एसी ऑन कर दो। तो देखो अब ये देखो, इनको खुशी मिल रही है, पहले गर्मी लग रही थी, अब आपने ऐसी चला दी एक सेकंड के लिए। ऐसे ही हमारे पास है, कस्टमर आता है तो ऐसे चेहरे के साथ और जाता है ऐसे चेहरे के साथ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो अब गाड़ी का मैं रेट जान लूं भाई साहब? सुनने में आया कि रेट भी बहुत कम है। बिल्कुल भैया। क्या है? एक ही रेट गाड़ी 20 लाख में छोड़ दूं। 20 पेटी में? 20 पेटी में। क्या बात है यार, 20 पेटी में आप कन्वर्टेबल का मजा लो, और 20 पेटी में कोई कन्वर्टेबल इतनी साफ सुथरी मिनी कूपर गाड़ी दे तो गाड़ी फ्री में छोड़ दूंगा यार। जीजा जी बात सुनो आप, मिनी कूपर 2013 मॉडल भाई कह रहे 8 लाख रुपए में। ओ सॉरी,
क्या नाम है, कितने में? 20 लाख। क्या बात है यार, 20 लाख रुपए में? 20 लाख रुपए। कितने किलोमीटर चली हुई है? सिर्फ 40,000 किलोमीटर। जेन्युइन फर्स्ट ओनर है? ओनर थर्ड है। अच्छा, कन्वर्टेबल कार का भैया पता है क्या होता है, कन्वर्टेबल कार एक शौकिया चीज है, ये एक्स्ट्रा सेकेंडरी कार होती है सबके लिए। समझ गया। लोग 2-3 साल चलाते हैं, शौक पूरा करते हैं, इसमें ओनरशिप मैटर नहीं करती है, सिर्फ कंडीशन मैटर करती है, लोग अपनी गाड़ियों से प्यार करते हैं। ऐसे ये कार पैम्पर्ड कार है, और जिसके भी पास रही है उसने उस गाड़ी से प्यार ही किया। ये भी गाड़ी सेल पे खड़ी हुई है? बिल्कुल। ये कितने की है? ये भैया 25 लाख। वाह भाई वाह, इतनी सस्ती गाड़ी आपके पास यार। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने आज तक जितने भी यूट्यूबर भाई देखे हैं, इतनी सस्ती गाड़ी कोई दिखा नहीं पाया, और ना ही किसी डीलर के पास इतना दम की बढ़िया सस्ते रेट में गाड़ी को दे। सारे मतलब गाड़ियों में 12 लाख रुपए कमा लेते हैं, 8 लाख कमा लेते हैं। मेरे ख्याल से आप तो कमाई का बैटरी ना के बराबर रखा हुआ आपने। ये मेरे को चाहिए कस्टमर खुश, पहली चीज। दूसरी चीज, अब हमारा काटने वाला काम ही नहीं है। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये डीजल वर्जन है, पेट्रोल वर्जन है? ये पेट्रोल है। पेट्रोल दिल्ली में आपकी 5 साल और चलेगी, और उसके बाद आप एनओसी निकलवा के और चला सकते हैं। और ये के नाम का क्या डिस्काउंट मिलेगा इसमें? मेरे नाम से जो कस्टमर आएंगे ना, सुनो आप रेट मत बोलना, मेरे नाम से कस्टमर आएंगे, मेरे नीचे इंस्टा आईडी आ रही दोस्तों, आपको यहाँ से गाड़ी लेनी हो, सस्ती सस्ती गाड़ी लेनी हो, आपने अपने इंस्टा भाई को मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, नीचे मेरी इंस्टा आईडी आ रही, आपका भाई खुद से डिस्काउंट देगा, इनसे नहीं। आपने खाली इतना बोलना है कि सन्नी भाई को मैसेज कर रहे हैं। डन है ना भाई साहब? आपका मान सम्मान नहीं करेंगे, क्या करेंगे? डन है, बिल्कुल। और कितनी गाड़ी खड़ी अपने पास भैया? पर कार ड्राइव के टेस्ट ड्राइव को लेके देख रहे हैं। हां चलाओ गाड़ी चलाएंगे। सीट सीट पीछे कराओ, सीट पीछे कराओ, मैडम बैठी रहेगी, सीट पीछे कराओ। तो दोस्तों गाड़ी पसंद आ गई है हमें, ठीक है ना? आप बैठो, आप बैठो, मैं उधर बैठूंगा। चलें भैया फिर टेस्ट ड्राइव पे। मैं कह रहा हूं टेस्ट ड्राइव पे नहीं, डन कर देंगे। डन कर दोगे? बढ़िया, आप ही की गाड़ी हुई है। अच्छा, दोस्तों गाड़ी पसंद आ गई भाई साहब की, मैं कह रहा हूँ बहुत स्मूथ चल रही है। जबरदस्त, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब मेरी वीडियो देखते ना ये गाड़ी बिक जाएगी आपकी। बिल्कुल भैया। क्या नाम है भाई जी आपका? अमित गहलावत। अमित गहलावत भाई जी, बस भाई इतनी स्पीड नहीं। बस। आपका भाई बहुत कम स्पीड में गाड़ी चलाना पसंद करता है। नहीं भैया, इसका शौक ही बिल्कुल धीरे धीरे है। हाँ ये भी बात ठीक कह रहे हो आप। इसका जो मजा है कन्वर्टेबल कार का, वो शाम को आप निकल रहे हो, फील ले रहे हो, जो चीज कन्वर्टेबल कार बनी ही इस चीज के लिए। अब मैं इनसे हिंदी में सवाल करूंगा, आपने इनसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना उसको। जी बिल्कुल। मैडम मैंने आपके लिए एसी चलवा दिया, कैसा लगा आपको? यस, स्विच्ड ऑन द एसी, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? You feel good. बहुत बढ़िया लग रहा है इनको। क्या बात है। तो कैसा लग रहा आपको मिनी कूपर में घूम के? How are you feeling in this car? This car? Yeah. Do you love it or not? This is the best car what I use in all India. क्या बात है। Thanks a lot. And my channel name is Tehelka. YouTube channel, my channel name is Tehelka. Okay, in YouTube? Yes, YouTube. Okay. On and also Facebook. I will find it. Okay. Come, what is name? Tehelka. बोलो एक बार, बोलो Tehelka. Tehelka. Yes. Okay. तो बोलो सही है. Okay, सही I will है. Follow you. बोलो सही है. सही है. सही है. मैं तो आपको हिंदी सिखा नहीं पाया, Tehelka भाई ने हिंदी सिखा दी आपको. लेकिन एक बात बोल रहा हूँ भाई जी, मेरे को इतना बता दो, अब धीरे करते बात करते हुए जाएंगे, अपने पास कितनी गाड़ियों का स्टॉक खड़ा हुआ है? भैया मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं अभी टोटल। अच्छा। हाँ जी। और सारी की सारी ऐसी गाड़ी है कि मतलब कस्टमर आएगा, बिल्कुल, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि महंगी गाड़ी है, सबके जो रेट है रीजनेबल रेट है। भैया रीजनेबल रेट, और मैं ये बोलता हूँ कि बात सस्ते की भी नहीं होती है, मेरी गाड़ियों का प्राइस चैलेंजिंग है। अच्छा। लेकिन बात सस्ती और अच्छी, ये दोनों वर्ड अलग अलग है। दोस्तों भाई के पास आपने आना है, मैं कह रहा हूँ द्वारका में भाई ने Tehelka मचा दिया है, भाई बहुत महंगे महंगे तोहफे भी देगा, डिलीवरी करने का तरीका बड़ा जबरदस्त आपने देख लिया, पीछे मैडम बैठी हुई है और मैडम ने प्यारी हिंदी में बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, और वो भी अच्छा लगा मेरे को। और भाई के पास आपने एक बार आना है मेरे कहने पर, यहाँ पे आओ और कहीं मत जाओ, गाड़ी देख लो आपके सामने है, आज तक मिनी के ऊपर आपने 20 लाख में नहीं देखी होगी, भाई 20 लाख में गाड़ी दे रहा है, और इससे मैं कह रहा हूँ यार ये सबकी फेवरेट गाड़ी है।
और पहल का भाई का मान सम्मान भी रहेगा बड़े लेवल पे। बिल्कुल, मतलब भाई जी मेरे को लगता नहीं यार कि मिनी कूपर वीडियो देखने के बाद बंदा कोई पहला व्यू, मतलब पहला बंदा मेरी वीडियो देखेगा ना तो दूसरा बंदा ही खरीदने आ जाएगा। बिल्कुल भैया, इस गाड़ी की जो चाहत है ना वो तो अलग है, क्या कहते हो आप? जो भी जहाँ से भी ये गाड़ी निकलती है लोग मुड़ के जरूर देखते हैं। जरूर देखते हैं, राइट राइट राइट। और इतना मजा अगर आपको 20 लाख में मिल रहा है, क्रेटा भी आज के टाइम पे 21 लाख की हो रखी है, बताओ। बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। कितने किलोमीटर चली है भाई जी ये? 40,000। 40,000, हाँ जी। ओके ओके। तो दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर मारना, मैं दोबारा बोलूंगा भाई के पास एक बार जरूर आना, यहाँ विजिट करना। भाई जी कहाँ पर अपना आउटलेट? द्वारका सेक्टर 17 में है अपना ऑफिस, सुप्रीम कार्स के नाम से आप गूगल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक। और अगर आपको बहुत मोटा डिस्काउंट चाहिए, बहुत ही मोटा डिस्काउंट चाहिए, तो वो डिस्काउंट आपको मेरे इंस्टा में मिल जाएगा। डिस्काउंट तो भाई जी अपनी मर्जी से मैं दूंगा, आप कुछ नहीं बोलोगे उसके अंदर आपने, क्योंकि ये एक ही बात बोली है सन्नी भाई, आप बड़े भाई हो तो आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो छोटा भाई फिर बीच में बोल ही नहीं सकता ना। बस 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 बस, आसपास देखो लोग देखते हुए, हेलो भाजी, लोगों के रिएक्शन भी हमने कैद कर लिए हैं, कुछ लोग ज्यादा भावुक से हो गए हैं। मैं भाई ने... भाई बोलता हूं हमेशा, दिस कार इज ऑल अबाउट द इमोशंस एंड द रिएक्शंस व्हिच यू गेट ऑन द रोड। वो हमेशा जो रिएक्शंस मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको इतना मतलब हाई करेंगे, आप उनको राइड दो, वो जो स्माइल आती है ना, वो एक वो बस वो प्राइसलेस है। प्राइसलेस है, राइट। बिल्कुल, मैडम भी व्लॉग शूट कर रही है अपने कैमरे से, बहुत बढ़िया। आपने एक लाइन को यूज करना है, तहलका मचाते रहेंगे बार बार आते रहेंगे, बोलो। तहलका मचाते रहेंगे बार बार आते रहेंगे, तहलका मचाते रहेंगे, मचाते रहेंगे बार बार आते रहेंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तहलका भाई हम दोनों की क्लासेस तो हमने इनको दे दी है, बढ़िया हिंदी की तो जबरदस्त। इट मींस सब्सक्राइब टू तहलका प्रैंक। तो दोस्तों अगर आपको भी तहलका वाली प्रमोशन करवानी है तो आपके भाई का नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा, मेरी मेल आईडी आ रही, मेरे से संपर्क करो, तहलका मचवाओ, हाई लेवल का तहलका मचाओ। जिन भी यूट्यूबर भाई को बुलाते हो बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका तहलका भाई हटके अलग तरीके से तहलका मचाता है और बिल्कुल यूनिक तरीके से तहलका मचाता है। तहलका मचाता रहूँगा हमेशा, आपको हंसाता रहूँगा, प्रमोशन ऐसी कर दूँगा तहलका वाली, सिंपल प्रमोशन नहीं तहलका वाली प्रमोशन। अब नीचे लगातार कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है मैंने अपना, और मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करके जाना आपने। जितने भाई मेरे को देख रहे हैं वहाँ पर आपको अलग वीडियो का मज़ा लेना है, डिफरेंट वीडियो का मज़ा लेना है, तो आपको वो वीडियोस दिखेंगे मेरे इंस्टा पे, बिल्कुल हटके वीडियो दिखेंगे। आपने फटाफट से मेरे इंस्टा पे जाओ, मेरे को फॉलो करो और तहलका मचाओ। बाकी भाई जी मज़ा आ गया? बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा आपका नेचर लगा मेरे को, और डील जो आपने करी ना मैं कह रहा हूँ मज़ा आ गया भाई जी। मैं अपनी वाइफ को कल दिखाने लाऊंगा गाड़ी, ये पसंद आ गई तो मैं कल ले जाऊंगा। बिल्कुल भैया, आप ही की है, डन है ना जी? डन। तो दोस्तों वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। द्वारका सेक्टर 10 में सरदार जी मलाई चाप वाले, यहाँ पे एक शानदार सी ओपनिंग हुई है। यहाँ का खाना एक नंबर है, तहल का खाना है, वेज खाना है, सबसे बढ़िया खाना है, एक नंबर। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तहलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है।